हमारे देश में कई राजा महाराजा हुए हैं और सभी के साथ कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई है। आज हम जिस महाराजा के बारे में बात करने जा रहे हैं उनके साथ भी एक बेहद दिलचस्प और दर्दनाक कहानी जुड़ी है। ये है महाराजा दलीप सिंह। हो सकता आप में से बहुत लोगों ने कभी इनका नाम ना सुना हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दलीप सिंह देश के शक्तिशाली महाराजा रणजीत सिंह और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे बेटे थे। इनका जन्म 6 दिसंबर 1838 को पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। किस्मत ने शुरू से ही उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके जन्म के कुछ समय बाद ही पिता महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई और 5 साल की उम्र में उन्हें राजा की गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब काफी कमजोर पड़ गया था और अंग्रेजों ने मौका देखकर पंजाब पर हमला कर दिया और 1849 में पंजाब पर कब्जा करके दलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया गया। दलीप सिंह के जन्म से लेकर उनकी मौत तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ इनका जन्म सबसे घनी परिवार में हुआ था, तो वहीं इनकी मौत पेरिस के एक सस्ते होटल में हुई। इस बीच उन्होंने अपनी जिंदगी में कई अच्छे तो कई बुरे दिन भी देखे। तो चलिए जानते हैं महाराजा दलीप सिंह के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार दलीप सिंह को गद्दी से हटाने के बाद उन्हें अपनी माँ से भी दूर कर दिया गया। पहले उन्हें फतेहगढ़ भेजा गया, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्हें इंग्लैंड भेजने का मकसद था कि वह दोबारा अपने राज्य को पाने के लिए युद्ध न कर सके और वहाँ की संस्कृति में रच बस जाए। अंग्रेजों की यह चाल सफल साबित हुई। जब 1854 में वह इंग्लैंड पहुँचे तो उन्हें क्वीन विक्टोरिया से मिलाया गया। चूंकि दलीप सिंह का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था, इसलिए क्वीन विक्टोरिया को दलीप सिंह बेहद पसंद आए। वह उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और उन्हें अपने साथ रखने लगी। दलीप सिंह का रंग अंग्रेजों से थोड़ा अलग था, इसलिए क्वीन उन्हें प्यार से द ब्लैक प्रिंस बुलाया करती थी। महाराजा दलीप सिंह इंग्लैंड पहुंचने के बाद काफी वर्षों तक वहां रहे। इस दौरान वह सिक्कों को भूलते गए और अंग्रेजी रीति रिवाज में रच बस गए। क्वीन अक्सर उन्हें अपने साथ शादी पार्टी में ले जाया करती थी। वहां वह जिस तरह से लोगों को देखते उनके जैसे वेश अपनाने लग गए और धीरे धीरे वह पूरी तरह अंग्रेज बन गए और सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। इसके बाद हर पार्टी में लोग दलीप सिंह का इंतजार करते थे और न आने पर क्वीन से उन्हें लाने का आग्रह करते। इस दौरान वह 13 साल तक अपनी माँ से दूर इंग्लैंड में अंग्रेजों की शाही जिंदगी जीते रहे। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अपने अंतिम वक्त में महाराजा दलीप सिंह दोबारा सिख बन गए थे। वह समुद्र के रास्ते से भारत लौट रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को यह हर किस बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने दलीप सिंह को नजरबंद कर दिया। जब महाराजा दलीप सिंह अपनी माँ से दूर इंग्लैंड में रह रहे थे, उस वक्त उनकी माँ नेपाल में रह रही थी। जब उन्हें अपनी माँ की याद आई तो उन्होंने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। चूंकि अब अंग्रेज महाराजा दलीप सिंह को अपने लिए खतरा नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी शर्त के महाराजा को माँ से मिलने के लिए हाँ कर दी। जब दोनों की मुलाकात हुई तो माँ ने दलीप सिंह को अंग्रेजी वेशभूषा में देखकर नाराजगी जाहिर की और अपने खोए हुए राज्य की याद दिलाई। उन्होंने उनके पिता की बहादुरी का उदाहरण देते हुए उनके जैसा बनने की बात कही और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने दोबारा सिख बनने और पंजाब को हासिल करने का प्रण लिया और इसके 2 साल बाद ही उनकी माँ की मौत हो गई। लेकिन महाराजा दलीप सिंह उनकी माँ के इस सपने को पूरा करने का ख्वाब देखते रहे। कलकत्ता से इंग्लैंड पहुँचने के बाद वह अपने परिवार के साथ भारत लौटने की तैयारी कर चुके थे और इस बात की जानकारी उन्होंने अंग्रेजों को भी दे दी थी। ये बात सुन अंग्रेज परेशान हो गए, क्योंकि वह दोबारा इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसे देखते हुए उन्होंने महाराजा को नजरबंद करने का फैसला किया। महाराजा दलीप सिंह ने पानी के जहाज से भारत आने का निर्णय किया। जब वह भारत आ रहे थे तो रास्ते में उनका जहाज एडियन नामक जगह पर रुका। जहाज रुकते ही अंग्रेजों ने दलीप सिंह और उनके परिवार को पकड़ लिया। हालांकि परिवार को तो इंग्लैंड वापस भेज दिया गया, लेकिन महाराजा को नजरबंद कर दिया गया। वह नहीं चाहते थे कि दलीप सिंह अपने राज्य को वापस पाने के लिए बगावत करे। नजरबंद करने के बावजूद दलीप सिंह काफी जद्दोजहद करते रहे, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच 1893 में पेरिस के एक सस्ते होटल में उनकी मृत्यु हो गई। दलीप सिंह की मौत के बाद उन्हें इंग्लैंड में ही ईसाई रीति रिवाज के साथ सेंट एंड्रयूज एंड सेंट पैट्रिस चर्च में दफना दिया गया। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को ईसाई रीति रिवाज के साथ इसलिए दफना
बनाया ताकि उन पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहे। दूसरी बात यह थी कि अंग्रेज इस बात से काफी डरे हुए थे कि अगर दलीप सिंह की लाश भारत भेजी गई तो दंगे भड़क सकते हैं। एक बार फिर पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू हो सकता था। उन्हें इंग्लैंड में दफनाए जाने के बाद सिख समाज इस बात से बेहद नाराज था। इतिहासकार कहते हैं कि दलीप सिंह ने अपनी वसीयत में यह लिखा था कि उन्हें वही दफनाया जाए जहाँ उनकी मौत हो, लेकिन सिख समाज इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सिख समाज का कहना था कि उनकी लाश को या तो उनके जन्म स्थान लाहौर में दफनाया जाए या फिर पंजाब में, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं होने दिया।